ये देखिए दोस्तों गांव का रास्ता, वो मनीषा जी इतनी दूर चली गई हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, इसको भी सुरक्षा के लिए लगाया गया जाली। और ये देखिए यहाँ पे भी एक शिमला मिर्च फैला हुआ है। ये देखिए ये दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। और देखिए इधर दादाजी अपने खेत की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, और काफ़ी दोस्तों मेहनत करते हैं किसान लोग, तब जाके सब्जियां तैयार होती हैं और हम लोग के यहाँ आती हैं दोस्तों। तो ये देखिए कितना बढ़िया से खेत लगाए हैं ये शिमला मिर्च का। इतनी बड़ी बड़ी बीच में नालियां हैं पानी भरने के लिए। दादाजी ये पौधा आप कब लगाए होंगे? एक के साथ एक दिन पीछे हम। अच्छा, एक दो महीना पहले का ये पौधा होगा ना? एक महीने से कुछ बेची हो। एक महीने के आसपास दोस्तों हुआ तो ये शिमला मिर्च का पौधा इतना बड़ा तैयार हो गया है। और 13 तारीख का रोपा है इनका, 12 का रोपा। अच्छा, तो 13 में इनका 3 दिन रोपा लो, हमारे 13 में 2 दिन में रोपा। और इसमें अब दोस्तों फूल भी लग गए हैं और फल भी इसमें लगने चालू हो गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। शाम का टाइम दोस्तों हो गया, मुझे लग रहा है 4 बजने वाला होगा, है ना मनीषा जी? 4 बजने वाला है और सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कोई निराई गुड़ाई कर रहा है दोस्तों, कोई आलू की बुवाई कर रहा है, कोई धान काट रहा है। और इधर मनीषा जी दूसरे के खेत में हल्के दोस्तों शिमला मिर्च तोड़ रही हैं, और खेत के मालिक आ जाएंगे तो इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों अब हम भी शिमला मिर्च के खेत में दम आ गए हैं और आपको दिखाते हैं नज़दीक से। दोस्तों ये देखिए ये शिमला मिर्च का दोस्तों पौधा है, और इसमें तो फल नहीं लगा लेकिन फूल लगना चालू हो गए हैं, फूल लगना इसमें चालू हो गए हैं। और ये देखिए लाइन बाई लाइन किस तरीके से लगाया गया है पौधा। और मनीषा जी उधर दोस्तों शिमला मिर्च तोड़ने वाली हैं, कह रही हैं उधर फला हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों कहाँ फला हुआ है। आइए दोस्तों आपको मिलाते हैं खेत के मालिक से। और ये देखिए इन्हीं का दोस्तों खेत है, मनीषा जी ने इन्हीं खेत में दोस्तों आया है। और ये देखिए इतना शिमला मिर्च ये तोड़ के तैयार कर ली है डब्बे में, ये जाएगा मार्केट में ना? ये मार्केट में दोस्तों जाएगा और इसकी तोड़ाई चल रही है दोस्तों। काफ़ी फला हुआ, कुछ तो अभी नहीं फले हुए हैं। तो चलिए इधर देखते हैं, मनीषा जी को भी शायद एक आग शिमला मिर्च मिल ही गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस शिमला मिर्च को खड़ा किया गया है ये डंडा लगाकर, इससे जो है कि इधर उधर इसके पेट नहीं होंगे, इसी में जो है कि खड़े रहेंगे। और देखिए इसमें बहुत बढ़िया शिमला मिर्च फला हुआ भी है, मुझे भी दिखा दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ा सा हो गया है तोड़ने लायक। तो काफी मेहनत के बाद दोस्तों इन्हें एक शिमला मिर्च मिला है, खोजते खोजते तोड़ लीजिए, जल्दी से नहीं खोआ जाएगा ये भी। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत बढ़िया लगा मुझे तोड़ने में, क्योंकि बहुत ढूंढे तब इसको पाए हैं। और इधर देखिए बगल में एक और है, हाँ। ये काफी छोटा लग रहा है, देखिए 3 का लुप्पा है, एक कम में 3 ठो फला हुआ है। ये देख रहे हैं छोटा है, लेकिन छोटा है अभी, ये तोड़ने लायक नहीं है अभी, काफी छोटा है। इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर और भी खोजते हैं, देखते हैं और मिलता है कि नहीं। आप तो इसमें खो जा रही हो, दिख ही नहीं रही हो इतना। हाँ, तो इसका पेड़ काफी बड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसी लाइन में से हम तोड़ कर आए हैं, और देखिए एक यहाँ पर मुझे और दिख गया, ये देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं और भी देखते हुए चलते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर मिल गया, वाह दोस्तों मिल नहीं रहा, इनको मिलवाया जा रहा है, इनकी हेल्प की जा रही है शिमला मिर्च तोड़ने में। हम तोड़ लिए हैं और कई लोग दोस्तों खेत में हैं जो इनकी हेल्प करा रहे हैं, खेत के मालिक भी हैं और मामा की लड़की भी हैं। एक और मिला दोस्तों, एक और अजूबा मिला, ये चलते हैं नजदीक से देखते हैं। ये देखिए तो अभी पहली बार ये टूट रहा है, तो खोज खोज कर तोड़ रहे हैं। देखिए कितना तोड़ी आप, अरे वाह, चलिए आप अपने रेसिपी के हिसाब से तोड़ी ली। तो देखिए दोस्तों इस पेड़ में जो है कि और फला हुआ है, ये देखिए एकदम ऊपर की तरफ फला हुआ है, इसका मुख एकदम ऊपर की तरफ है, ये देखिए। इसको हम तोड़ लेते हैं। उल्टा फला है क्या ये? ये देखिए टूट गया एक तो, और नीचे फिर है। मैं तो वो नीचे का नहीं, वो वाला दिखाई थी। हाँ, अरे वाह, और है इधर है यार, देखिए इसमें है,
अरे वाह दोस्तों, ये दिख नहीं रहा पत्ते में छिपा हुआ, इसका पत्ता एकदम हरा है और शिमला मिर्च भी दोस्तों हरा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तीन ठो फला हुआ है, दो ठो तो तैयार हो गया है और अभी इसमें जो है कि दो ठो नहीं तैयार हुआ है। ये देखिए दो तैयार है, एक देखिए यहाँ पर ये काफी छोटा है, एक इस साइड है ये भी काफी छोटा है, ये भी नहीं टूटेगा। वाओ डिलाई तो मेरी भर गई, ये देखिए मेरी डिलाई भर गई। तो अभी दोस्तों देखिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मायके फ़ोन भी नहीं, एक बार भी फ़ोन नहीं की कि मैं आ रही हूँ। फिलहाल अभी रास्ते में ही हूँ, मतलब मामा के यहाँ हूँ। नहीं यार आइए, हम रस्तों जल्दी फैलाई ला मम्मा के। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या जबरदस्त शिमला मिर्च हमने भी तोड़ लिया, ये देखिए। अब हम लोग जो है कि चलते हैं इस खेत से बाहर और जिनका शिमला मिर्च है इनको दे देते हैं। कहाँ है, कहाँ रखे हैं, बोरिया में कहाँ कहाँ रखेंगे इसको? इनका डब्बा का फोटो खींच लेना भरवा के ना, खाली खाली डब्बा का कहीं लगाने काम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग खेतों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर देखिए अपने रेसिपी बनाने भर का जो है कि शिमला मिर्च लिए हैं डिलाई में। देखिए ये छोटे वाले में बहुत बढ़िया फला है यार, बड़ा वाला तो बस खाली पेड़ा हुआ बड़ा बड़ा लग रहा था। हाँ अच्छा, एक का दिन का वाला जलिए में फंस गई ला। अरे हमने चेक, तो ये देखिए जाली के बीच में से हम लोग चल रहे हैं। देखा गिरा भरा मत, ये पूरा धनिया लगाया गया है, नेनुआ कोहड़ा है। तो देखिए भैया, हम लोग जो है कि शिमला मिर्च तोड़ लिए हैं और अब हम लोग आ गए हैं रोड पर। इधर देखिए, इधर जो है कि धान है, धान पक गया है, काटने लायक हो गया है और इधर देखिए पूरा फूल की खेती की गई है। गेंदा का फूल अभी फूल रहा है, ढोंढी बहुत तेज लिया है, फूल तो बहुत कम अभी दिख रहे हैं, दिसंबर उसंबर में बहुत है। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग सड़क के किनारे से ही चल रहे हैं। इधर देखिए धनिया लगाया गया है मेड़ पर, बहुत बढ़िया जो है कि धनिया उगा हुआ है और एकदम बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये धनिया का पत्ती। क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों? धनिया काफ़ी ढेर सारा लगा हुआ है। इधर देखिए अभी तैयार हो रहा है, छोटा छोटा है और इधर देखिए धनिया को खन रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं इधर देखिए खेतों की तरफ, जहाँ पर धान की कटाई हो रही है। तो यहाँ पर देखिए भाभी हैं, वो देखिए उधर भाभी हैं, धान काट रही हैं और इधर जो है कि रंजना इधर आ गया दीदी, इधर आ गया नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों धान कट रहा है, धान जो है कि कटने लायक हो गया है, पक गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी धान की कटाई चल रही है, हमने भी धान काट लिया है और चलिए दोस्तों अब चलते हैं मायके में, क्योंकि अभी जो है कि हमारे भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं मायके में और शाम के जो है कि 4 बजने वाले हैं। तो अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से और